Hello friends, today I want to explain you the chapter A Man Who Knew Too Much because many of the students have a problem in it, so I want to explain. So we can start. I first met Private Quelch at a training depot. वो नरेटर ये शुरुआत करते हैं कि वो सबसे पहले प्राइवेट क्वेल से मिला, फिर अ मैन आर लेबल टू एक्वायर इन एस फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी टुगेदर विद यूनिफॉर्म राइफल एंड इक्विपमेंट. बिल्कुल ये ज़रूरी, एकदम अच्छा बंदा था, एकदम यूनिफॉर्म राइफल सब एकदम ये मेंटेन करके चलता था, और ये बहुत समझदार था और बहुत इंटेलिजेंट भी था और कोई भी ये गलती नहीं करता था. Nicknamed anyone saw a private quelch lanky stooping frowning through the horn rim glasses. सब लोग इसको private quelch कहते थे क्योंकि ये दुबला था, झुका हुआ था और ये थोड़ा गुस्से में रहता था, मतलब तनी हुई रहती थी इसकी जो जो माथे पे जो सुकड़न आती रहती थी इसके, और वो चश्मा पहनता था मोटा मोटा. Those who had doubts on the subject lost them after 5 minutes conversation with them. किसी को भी कुछ भी डाउट होता था, कोई भी उससे 5 मिनट बात भी कर ले तो उसको सब कुछ फटाफट से समझ में आ जाता था. पहले इसने ये लेक्चर दे रहे थे कोई इनके टीचर मस्केटरी पे. मस्केटरी आप देख सकते हैं आर्ट ऑफ यूजिंग द इन्फेंट्री शोल्डर हैंड गन, गन होती है उसकी यूज़ के बारे में सब कुछ ये सब बता रहे थे. तो ये वी स्टूड इन एन अटेम्प्टिव सर्कल विद सर्जेंट अ मैन एज डार्क एज सनराइज रीजन. ये एक हम लोग धूप में एक सर्कल बना के खड़े थे, जो ये सर थे ये डार्क थे, एकदम जैसे सूखी किशमिश होती वैसे थे. ये इसमें NW फ्रंटियर रिबन्स होते हैं जो एकदम ये एक हाई लेवल की जो ये रैंक्स होती हैं वो NW फ्रंटियर रिबन से ये शो करते हैं. तो ये बता रहे थे कि ये मज़ल वेलोसिटी जो होती है बुलेट की वो 2000 फीट पर सेकेंड होती है, ये थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली बता रहे थे. लेकिन ये वॉइस आई एक और वो प्रोफेसर की थी कि वो बोला 2440. उसने टीचर को बीच में इंटरप्ट कर दिया. ये ऐसे टीचर को बहुत इंटरप्ट करता था और टीचर को बहुत गुस्सा आती थी इस चीज के चक्कर में. फिर उसने टीचर ने बोला हाँ ये सही कह रहे हो तुम, और वो लेक्चर देने लग गया. तो जब वो ये ख़त्म करा तो वो क्वेश्चन पूछ रहा था हम सब से ये बदला नहीं लेके, जैसे टीचर करते हैं ना कि अब ये इसने इंटरप्ट करा था मैं इसे बदला लूँगा. वो बार बार क्वेश्चन पूछने लगा, वो बार बार क्वेश्चन पूछने लगा प्राइवेट क्वेल से, लेकिन क्वेल हमेशा हर चीज़ का सही आंसर देता था और ये हमेशा प्रोफेसर की ग्लोरी इंक्रीज करता था. टेक्निकल डेफिनेशंस द पार्ट ऑफ राइफल्स एंड एटीट्यूड्स केयर ये उसको बाय हार्ट सब लर्न था. फिर ये सर्जेंट ने आस करा कि तुमने कभी ट्रेनिंग ले चुके हो क्या पहले, तो बोला नहीं इस ऐसे कुछ बात नहीं है. बोले ये इट्स ऑल मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग, वो पढ़ता बहुत था तो इसलिए ये फटाफट फटाफट सब कुछ बता देता था. फिर ये हमारा इंट्रोडक्शन था पहला उसके साथ. फिर ये हम जानने लगे उसके बारे में, तो वो बताता रहता था कि मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास वो है, अपनी पढ़ाई करता रहता था हमेशा. और वो सब जानते तो थे कि उसके पास दिमाग तो है ही, लेकिन फिर वो और बताता रहता था. और हमें पता था कि उसको कमीशन तो मिल ही जाएगा एक दिन, क्योंकि वो बहुत होशियार था. और ये हमेशा स्ट्राइप के लिए करता था ये सब. स्ट्राइप होता है वी शेप बैंड टू इंडिकेट द रैंक ऑफ अ शोल्डर, ठीक है. तो यहाँ पे हाँ वो एम्बिशन के लिए बहुत हार्ड वर्क करता था अपने, और मतलब हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए एक तरीके से. जब वो दूसरों से बोरो करता था ट्रेनिंग मैनुअल जो बुक्स होती थी पढ़ने के लिए, देर रात तक पढ़ता रहता था अपने आप. और ये अपने क्वेश्चन से जो पढ़ता था रात को क्वेश्चन निकलते थे फिर टीचर्स को इरिटेट करता था. तो ये एकदम इंथ्यूजन से भरा था. और ये जब इनकी मार्च होती थी तो मतलब एकदम टायरलेस, सब थके हुए थे तो ये बिल्कुल टायर नहीं होता था और ऐसे मार्च करता जैसे गार्ड्स में जब वो कैंटीन पे जा रहे होते थे एकदम लेफ्ट राइट ऐसे करके. फिर एक दिन ये हम